हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे हाथ की रेखाएं यानी हस्तरेखाएं, माथे की लकीरें और शरीर के अंग अलग अलग तरह के प्रभाव देते हैं, इसी तरह से तिल भी हमारे शरीर के ऊपर किस अंग पर स्थित हैं उस हिसाब से हमें प्रभाव देता है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही अंगों के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर तिल होने से आपको क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। व्यक्ति के शरीर पर तिल होता है, लेकिन यह तिल शुभ और अशुभ फल भी देता है। वैसे तो शरीर पर तिल पर लोग विशेष रूप से ध्यान नहीं देते, परंतु ज्योतिष शास्त्र में तिल का फल होना बताया गया है। आइए जानते हैं कि किस अंग पर तिल किस तरह का फल देगा। यदि आपकी बाईं भुजा यानी के लेफ्ट हैंड पर तिल है तो आपका स्वभाव झगड़ालू हो सकता है। नाक पर तिल होने से आप हमेशा यात्रा पर जाते रहेंगे, यानी अगर आपकी नाक के ऊपर तिल है तो आपको घूमने फिरने के अवसर बहुत मिलने वाले हैं। छाती की दाहिनी तरफ यानी कि आपकी चेस्ट की राइट साइड पे अगर तिल है तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, और अगर छाती की बाईं तरफ यानी के लेफ्ट साइड पर तिल हो तो पत्नी से पटरी कम ही बैठती है, यानी के नोक छोक लाइफ में लगी रहती है। कमर में तिल होने से शारीरिक परेशानी बनी रहती है, यानी अगर किसी की कमर पे तिल है तो उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रखती है और ये तिल बिल्कुल अशुभ माना गया है। पेट पर तिल, अगर पेट पर किसी के तिल है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे स्वादिष्ट भोजन करने का हमेशा इच्छुक होता है। हम ऐसे लोगों को ग्लूटन कहते हैं, यानी कि जो खाने के शौकीन होते हैं, या फूडी कहा जाता है। अगर किसी के पेट पर तिल है तो आप देखेंगे कि वैसा व्यक्ति खाने पीने का हमेशा से शौकीन रहेगा। इसके बाद बात आती है हथेली की। दाहिनी हथेली यानी कि राइट हैंड पर तिल वाला व्यक्ति बलवान होता है, यानी कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बलवान माना जाता है। और बाईं हथेली पर तिल यानी कि लेफ्ट हैंड पर अगर किसी के तिल है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला माना जाता है, यानी कि वह ऐसा व्यक्ति अपना पैसा बचाकर नहीं रख सकता और वह खर्च करना ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद बारी आती है आँखों की। अगर किसी की बाईं आँख पे तिल है, बाईं आँख यानी कि लेफ्ट आई पे तिल है तो स्त्री से कलह की संभावना बनी रहती है। और अगर किसी की होंठ पर तिल है अर्थात लिप्स के ऊपर तिल है तो ऐसा व्यक्ति विषय वासना में रत रहता है। कान पर तिल होना अशुभ माना गया है। कान पर तिल होने का मतलब है कि ज्योतिष शास्त्र में अल्प आयु बताई गई है। तो ये कुछ ऐसे तिल के फल थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।